अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुरियाद अजीज और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम ओपिनियन में मेरे साथ मौजूद हैं हारिस खलीक साहब। आप HRCP के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनसे हम बात करते हैं इंसानी हकूक के हवाले से और मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले इंसानी हकूक के हवाले से पाकिस्तान का नंबर क्या है आपके ख्याल में? पाकिस्तान का नंबर तो चूंकि अलग अलहदा अलहदा असेसमेंट होता है, यानी जेंडर इंडेक्स में हम नीचे से तीसरे नंबर पे हैं 150 ममालिक में, जो इंसानी तरक्की के नीचे से शुरू। हाँ, पाकिस्तान का मतलब है कि तकलीफदेह बात यही है, और यानी मैं इसको बिल्कुल कोई तंजिया तौर पर नहीं कह रहा, चूंकि ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारा नंबर जो ख्वातीन के या जो जेंडर पैरिटी का जो इंडेक्स है उसमें हम नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। पहले शायद नीचे से पांचवें नंबर पे थे 150 ममालिक में। किस दौर में सबसे बेहतर नंबर था? ये बहुत वैरी करता रहता है। मेरा ख्याल है कि जो जो पाकिस्तान में ख्वातीन के हकूक के हवाले से जो सबसे ज्यादा तरक्की जिन दो अदवार में हुई है वो एक बेनजीर भुट्टो का दौर है और फिर एक जनरल परवेज मुशरफ के चंद साल हैं जिनमें नई पार्लियामेंट उनके आने के वो जाहिर है कि कामराना दौर था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कवानीन पास किए गए, उसमें भी पीपल्स पार्टी का खासा रोल रहा। लेकिन मैं समझता यही हूँ कि बेनजीर भुट्टो ने कुछ ऐसे बुनियादी तब्दीलियाँ ख्वातीन के लिए, मिसाल के तौर पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट किया, और फिर उनका अपना आना बहैसियत पहली वजीर आजम के, खातून वजीर आजम के, उसके असरात मुरतब हुए। तो जनरल परवेज मुशरफ के दौर में जो हदूद ऑर्डिनेंसेस को इन्होंने रिपील तो नहीं किया, तनसीख तो उनकी नहीं की, मगर उन्हें सरकमवेंट किया और वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट बना। फिर ख्वातीन की जो पार्लियामान से लेके और निचली सतह तक जो यानी आपकी मकामी हुकूमतें होती हैं उनमें शमूलियत में इजाफा हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हुई, लेकिन अदरवाइज जो अमूमी तौर पर पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो नागुफ्तबे है। उसके बाद दूसरी जो आपने जैसे कहा, तो एक जो आपके जो जो इंसानी तरक्की के आशारिये होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी तरतीब में बुनियादी काम ही एक पाकिस्तानी माहिर मईशत यानी डॉक्टर महबूबुल हक का है, जो यानी जो जब उन्होंने UNDP के साथ जब वो वाबस्ता थे UN के साथ और उन्होंने इंसानी तरक्की के आशारियों को मुरतब किया, उसमें भी पाकिस्तान बहुत नीचे है। तो ये दो बातें हो गई। फिर उसके बाद जो बच्चों के साथ बच्चों के जो हकूक की पामाली और उनके खिलाफ जो जराइम है, चाहे वो जिंसी जराइम हो चाहे वो दीगर जराइम हो, उनसे उनसे मशक्कत लेने का मसला या उन पर तशद्दुद का मसला, तो वो उस तमाम में भी पाकिस्तान की सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ना ख्वातीन के सिलसिले में, ना बच्चों के सिलसिले में, ना जो इंसानी तरक्की के अमूमी आशारिये हैं उनके सिलसिले में, मैं आता हूँ मीडिया की तरफ, ना जो यहाँ मजहबी अकलियतें हैं, तो उन सब में पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ तक सवाल, चूंकि आप खुद साफी हैं तो आपने मुझे दरमियान में कह दिया कि मीडिया में उस तरफ आने वाला था, मीडिया के सिलसिले में आज ये है कि पाकिस्तान में शुरू से कुछ ना कुछ पाबंदियां तो रही हैं, यानी बिल्कुल एक आज़ाद मीडिया तो पाकिस्तान में कभी नहीं रहा। जब जो यहाँ सिविल हुकूमतें रही हैं उनमें भी ऐसे कवानीन बनाए गए और इस किस्म का रवैया अख्तियार किया गया आज़ादी इजहार की जानिब, जो कोई काबिल तहसीन नहीं है। लेकिन पिछले 2-2.5 बरस को अगर हम देखें तो इसमें सूरत हाल हमें वही नजर आती है, जिसका माजरत के साथ मैं अगर मुवाजना करूं तो जनरल जावलक के दौर से करूंगा या अयूब खान के इब्तदाई चंद सालों से करूंगा, जब प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जब जो प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड के जो अखबार थे यानी मियां इफ्तखारुद्दीन जिसके सरबराह थे जिस इदारे के, और आज़ाद अखबार निकला करते थे, उन्हें नेशनलाइज किया गया। यानी एक तरफ तो अयूब खान साहब निजकारी और सरमायादारी निज़ाम को तरवीज दे रहे थे और दूसरी जानब उन्होंने जो अखबार थे उन्हें कौमिया लिया। तो ये कुछ वैसी ही सूरत हाल हमें नजर आती है। ज़िया के ज़माने में जिस तरह की सेंसरशिप थी उतनी ही सूरत हाल सेंसरशिप की भी आज नजर आती है। अच्छा, ये बताइए आप कि इस गवर्नमेंट में आप सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक की पामाली किस शोबे में देख रहे हैं? देखिए, हर शोबे में ही है ना, चूंकि इंसानी हकूक कोई तरजीह नहीं है,
तरजीह इस तरह से नहीं है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जिस तरह कैटेगराइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, मीडिया, आपने बच्चों के हकूक की बात की, इंसान खवातीन के हकूक की बात की, इस तरह कैटेगराइज आपने कर रहे हैं, तो मैं उस ताल्लुक से आपसे मेहनतकशों के हकूक जो सबसे ज्यादा जिस पर बात नहीं होती उस पर मीडिया भी बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है कि चूंकि मीडिया की भी मतलब अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँ कि क्योंकि ज्यादातर लोगों का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से होता है या आला मुतवस्सित तबके से होता है जो जरा अबलाग से वाबस्ता होते हैं, तो उनके यहाँ भी जरा वो कभी कभार नजरअंदाज कर देते हैं मेहनत कशों के हकूक। कभी कभार नहीं, अक्सर ही करते हैं, बल्कि करते ही हैं, इसलिए कि मीडिया की आज़ादी है और आज़ादी इजहार का ताल्लुक सिर्फ ऑफिस से बाहर तक है। जब जब सहाफ़ी ऑफिस में जाता है तो उसकी सारी आज़ादी सल्ब हो चुकी होती है, वो मालिक उसकी आज़ादी सल्ब कर लेता है और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, एक रियलिटी है। तो मेहनत कश जो है पाकिस्तान के, वो इस वक्त अपनी मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस पर HRCP ने क्या किया। HRCP तो जो अपनी जितनी भी HRCP की रिपोर्ट्स होती हैं, HRCP तो मॉनिटरिंग का एक इदारा है और जाहिर है कि बहुत कलील वसायल में काम करता है, एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेकिन HRCP तो जो इकोनॉमिक राइट्स का सवाल है, जो मुआशी हकूक का सवाल है, वो शहरी हकूक और सियासी हकूक के साथ साथ मुसलसल उठाता है। हमने बलूचिस्तान के कानकरों की जो सूरत हाल है, जो लोग बलूचिस्तान में कानकर हैं उनमें से बहुत सौ का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जो बलूचिस्तान के कोयले के कानों में खास तौर पर और दीगर कानों में भी काम करते हैं, उन पर हमने मुसलसल आवाज़ उठाई है, क्योंकि सिर्फ 2019 में कुछ 100 के करीब कानकन जहाँ बाहक हुए थे। जो माहिगीरों के मसाइल हैं उन पर हम आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ क्या उठाते हैं बल्कि उनके साथ मिलकर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके हक में कानून साजी भी की जाए और रवैया भी बदला जाए रियासत का उनकी तरफ। इसी तरह जो जबरी मशक्क़त में का जो उस पर तो HRCP का पाइनियरिंग काम है, हमने बड़ी तादाद में सिंध में भी और पंजाब में भी जो जबरी तौर पर लोग बॉन्डेड लेबर जैसे हम कहते हैं, मॉडर्न स्लेवरी की जो शक्ल है, उन्हें हमने आज़ाद कराया है, उनको रिहैबिलिटेट करने में मदद दी है, और तो ये सारा काम, चाहे वो भट्टों पे काम करते हों या वो खेतों में काम करते हों, सिंध में ज़्यादातर वो खेतों में काम करते हैं और पंजाब में ज़्यादातर वो भट्टों में काम करते हैं, तो HRCP तो लगा रहता है, लेकिन मसला ये है कि छोटा सा इदारा अपनी बसात भर जितनी भी कोशिश कर ले, जब तक जो पाकिस्तान की अशराफिया है उसका रवैया नहीं बदलता मेहनत कशों की जानिब, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। तो मेरी नज़र में ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो मेहनत कशों का मसला है। हर्डल कौन क्रिएट करता है आपके काम में पाकिस्तान में, एस्टैब्लिशमेंट से कैसे रवाबित हैं आपके? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट तो एक बहुत ही अमूमी टर्म है जो आप लोग आमतौर पर अपनी गुरु खलासी के लिए, फौज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जान बचाने, लेकिन हाँ जान बचाने के लिए, और इसमें बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि महज एस्टैब्लिशमेंट फौज नहीं है, इसमें अदलिया का बड़ा किरदार पाकिस्तान में रहा है, आला अदलिया का खास तौर पर, मगर निचली सतह पर भी पाकिस्तान की अदलिया की जो कारकर्दगी है, आम आदमी की जहाँ डीलिंग होती है वो बहुत ही तश्वीशनाक है। नहीं, मैंने सवाल किया कि आपके काम में कौन रुकावट ज्यादा? हमारे काम में अगर आप देखें तो हमारे काम में तो चारों तरफ से समाज के तमाम ही जो और हुकूमत के तमाम जो इदारे हैं उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, जो भी जमात इक्तदार में होती है, जो जमात भी इक्तदार में होती है उसे हम बुरे लगते हैं, और जो जो चाहे सिविल हुकूमत हो और जो भी जमात हिजबे इख्तलाफ में होती है उसे हम अच्छे लगते हैं, तो हमारा तो एक लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है। जहां तक सवाल आपका, अगर सवाल नहीं करूं कि यानी इसका जवाब दूं आपको कि रियासत के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका वो एक नजर तो हम पे रखते हैं, मगर मैं ये बहुत यानी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमारे काम में बराह रास्त हमने बहुत यानी दोस्त अपने गंवाए हैं इसमें, जान से गए हैं, लेकिन हमारे काम में बराह रास्त रुकावट कोई नहीं पैदा करता। हमारे काम में दबाव बहुत होता है, दबाव हम पे बहुत होता है, मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मिसाल के तौर पे दबाव इस तरह का होगा कि आपने ये क्यों कह दिया, ये कैसे कह दिया, सवाल जवाब बहुत होते हैं, ये टेलीफोन कॉल्स की लोग मुलाकात के लिए भी आते हैं, टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारे छोटे शहरों में लोग काम कर रहे हैं उन पर ये दबाव कहीं ज्यादा होता है, बनिस्बत लाहौर और इस्लामाबाद के। धमकी आमेज दबाव होता है? धमकी आमेज दबाव जो है वो हमें ज्यादा मसला, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसी ऐसे जो दहशतगर्द ग्रोह और सियासी जमातों के बाद जो मकामी सतह पे लोग हैं उनसे ज्यादा होता है। मजहबी जमातों जी, मजहबी जमात वो दहशत का दबाव होता है। मजहबी जमातों का भी मसला ये है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए रियासत की जानिब से तो वो भी खत्म ही लिखती है।
तो जी तो ये मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी की बात है, चूंकि नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि राइट विंग्स की तरफ से आपके ऊपर कितना दबाव होती है, खासतौर से खवातीन के हुकूक की जी, बहुत होता है, बहुत होता है, गालम गलोच होती है, गालम गलोच होती है, ट्रोलिंग होती है बहुत ज्यादा, लोग हर तरह के तंजो तशनी और दुश्नाम तराजी करते हैं, गालियां देते हैं, तो वो तो सब चलता है, वो तो सब मुसलसल रहता है। इस वक्त सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आपका क्या है पाकिस्तान में, HRCP की मैं बात करूं? इस वक्त ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान के दस्तूर पे अमल हो, पाकिस्तान के दस्तूर में जो इंसानी हकूक की पासदारी के से मुतालिक जो आर्टिकल्स हैं उन पर बिल्कुल उसी तरह से अमल हो जिस तरह से होना चाहिए, लिखे गए हैं जिस तरह से वो, और दूसरे जो पाकिस्तान में जो जितने भी पाकिस्तानी रियासत के इदारे हैं वो अपने अपने दायरे कार में रहकर काम करें, फौज की सियासत में मुदाखलत ना हो, सियासी जमातें अपना रुख ठीक करें, और बुनियादी तौर पर अदलिया जो है वो अपना किरदार बगैर किसी दबाव के अदा करें। अच्छा, HRCP जैसे इदारे या ऐसी और बहुत सारी NGOs के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे होते हैं, ये कहीं से पैसा मिल रहा होता है, उनके मफादात का तहफ़ करते हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर से जब मजहबी जमातों के रहनुमाओं से बात करो तो ये कहते हैं कि ये बैरूनी एजेंडा है, ये ख़वातीन के हकूक और दूसरी शक्लों में बात करते हैं, असल में ये मगरिब की रिवायात और वहाँ की जो रस्म रिवाज है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये इनका एजेंडा है। नहीं वो तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तो जब से बरसग़ीर अंग्रेज का गुलाम रहा है और यहाँ रोशन ख्याली की और ख़ैरत अफरोज़ी की और तरक्की पसंद सोच की तहरीकें चली हैं तो उन पर यही इल्ज़ाम लगता रहा है, कभी कोई रूस का एजेंट था, कभी कोई अमेरिका का एजेंट था, आपस में भी माजरत के साथ ये इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाते रहे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मसला है, इसलिए जब GSP+ की बात होती है कि यूरोप से आपके तजारती ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे अगर आप यहाँ इंसानी हकूक के मसाइल को हल नहीं करेंगे, तो मुझे तो उससे दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो दिलचस्पी इस बात से है कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं ये उनका हक है और ये पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा हुआ है। पाकिस्तान के दस्तूर में बहुत से नकायस भी हैं जो पार्लियामान का काम है कि जिन्हें दुरुस्त करें, दूर करें उन नकायस को, लेकिन जो कुछ लिखा हुआ है उस पर तो अमल करें। तो बुनियादी तौर पर जैसे जबरी गुमशुदगियों का मसला है, अब जबरी गुमशुदगियां जो हैं वो गैर कानूनी काम है, तो अगर वो जो लोग कानून के मुहाफिज समझे जाएं, अगर वही उसको या वो करें उस काम में मुलव्वस हों या वो उस काम को कवर दें, तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि आप दस्तूर को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो हम तो यही समझते हैं कि दस्तूर पे अमल दरामद होना चाहिए और इसका कोई ताल्लुक मगरबी एजेंडा से नहीं है। पैसा तो आपको वहीं से आता है ना, कहीं कोई जो आपको फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? नहीं हमारे तो आपने फंड्स, अगर हमारे जो फंड्स हैं वो तो एक सरकारी इदारे के एक महीने के फंड्स जो होते हैं, एक छोटे से सरकारी इदारे के एक दफ्तर के, वो हमारा पूरा साल का बजट है, और HRCP के सारे पैसे बाहर से नहीं आते, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। चूंकि बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की जो एक इनलाइटेंड कल्चरल एलीट थी उसका बनाया हुआ इदारा है, और उसके बाद इसमें और बहुत लोग शामिल हुए, इसमें हारी हैं, इसमें मजदूर हैं, इसमें किसान हैं, इसमें दीगर असातिज़ा, नर्सेज, मेहनतकश तबकात की नुमाइंदगी है, वकला हैं, डॉक्टर्स हैं। तो हमारा तो एक कंपैरिजन जो है वो एक रेगुलर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से ज़रा मुश्किल से होगा, क्योंकि हम तो मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनली अगर देखें तो HRCP का जो पाकिस्तान चैप्टर है या दूसरे ममालिक में जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, HRCP का कोई और चैप्टर नहीं, मैं पाकिस्तानी इदारा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो आपका अक़वाम मुत्तहिदा से कोई कोऑर्डिनेशन है वहां हम देखते हैं कि बिल्कुल खामोशी है, और आपकी अपनी तरफ से भी HRCP की तरफ से भी इसका मतलब है कि आप फॉलो नहीं करते हमारी सारी इंफॉर्मेशन को। कश्मीर पे हमारे 14 बयान हैं ऑन रिकॉर्ड, हालांकि कश्मीर में जाहिर है हमें तो आजाद कश्मीर में मुश्किल से जाने की इजाजत मिलती है अपने मिशंस के लिए, तो मकबूजा कश्मीर जो है उसमें तो हमारी कोई रसाई नहीं है, लेकिन 14 स्टेटमेंट HRCP के, HRCP के चेयर डॉक्टर मेरी हसन थे उस वक्त चंद माह कबल तक जी, अब हिना जिलानी है, मैं खुद हमारे रेडियो पाकिस्तान से लेके इंटरनेशनल DW BBC वॉइस ऑफ अमेरिका सारे अखबार, अगर आप जरा सा थोड़ा सा उस पर रिसर्च करें तो आपको मिल जाएंगे, तो ये ऐसी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये देखिए ना, लोग बड़ी आसानी से कुछ भी कह देते हैं बगैर किसी तरह की, मैं समझता हूँ एक ये आपकी राय नहीं है, एक ओपिनियन आप बता रहे हैं, बिल्कुल है, और फलस्तीन पे भी इसी तरह, और हम जो हमारा अक़वामे मुत्तहिदा से हमारा कोई ये बिल्कुल खालिस्तन पाकिस्तानी इदारा है, और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन 1986 में कायम हुआ, 87 में बहसियत एक सोसाइटी के लाहौर में रजिस्टर हुआ,
और ये बिल्कुल पाकिस्तानी इदारा है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो है वो मैं बता देता हूँ आपको उनका क्या यूएन से, यानी वो उनमें से आसमा जहांगीर हो गई या हिना जिलानी हो गई, वो यूएन के स्पेशल रेपोर्टर्स रहे हैं, लेकिन वो कोई यूएन के मुलाजमीन नहीं है, यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव या रेपोर्टर्स रहे हैं अपने उसी काम की की जो आप समझ लें कि रिकग्निशन की वजह से जो उन्होंने पाकिस्तान में किया है इब्तदाई तौर पर। और पहले हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर जस्टिस दुराब पटेल थे, पहले ट्रेजरर हमारे मार्शल जफर चौधरी थे, सिंध के वाइस चेयर फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे, पहली सेक्रेटरी जनरल आसमा जहांगीर थी, बाद में आई रहमान साहब ने वाइस चेयर डायरेक्टर भी ज्वाइन किया। तो ये इन लोगों का आप अंदाजा लगा लें कि इनका क्या, इनकी बैन अलावी साख क्या है और मुल्क में इनकी साख क्या है। और इसी तरह बहुत से और लोग हैं जो कि हमारे यानी साथ वाबस्ता रहे। तो फंडामेंटली ये इदारा जो है इसको ये कोई बैन अलावी इन बात पर डिपेंडेंट नहीं है। और हम जो हम अमरीकियों से पैसे नहीं लेते, ये हमारा एक हमारे जो अकाबरीन थे उस वक्त के उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि भाई अमरीकी हुकूमत से हम कोई पैसे नहीं लेंगे। तो हकूमत नहीं, वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जो अमेरिका से पैसे लेती है, तो उसका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स कमीशन से नहीं है, चाहे वो दुबई से ले, चाहे ब्रसेल्स के जरिए से, चाहे लंदन के फाइनेंस कैपिटल के जरिए से। तो बेसिकली हमारा जो बुनियादी जो ताल्लुक है वो इसी बात से है कि यहाँ इंसानी हकूक की पासदारी हो, पाकिस्तान के जो शहरी हैं बिला इम्तियाज उन सबकी, और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी भी। अच्छा, असतूर पर तशद्दुद होते होते रह गया या होने वाला था या जो भी था, उससे पहले चीमा, उससे पहले गालिबन मतीउल्लाह जान और बहुत सारे लोग, अब रिसेंटली हामिद मीर, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये तो बड़ी बुनियादी तौर पर जैसे हमने पहले यहाँ से गुफ्तगू शुरू की थी कि जो इस वक्त आज़ादी इजहार का मसला है वो पाकिस्तान में, उसका कंपैरिजन मैंने किया था जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के दौर से और अयूब खान के इब्तदाई चंद सालों से, तो बिल्कुल वही सूरत हाल है कि उस पर तो मजम्मत ही उसकी की जा सकती है। और न सिर्फ मजम्मत की जा सकती है बल्कि ये याद दहानी बड़ी ज़रूरी है मौजूदा हुकूमत को कि वो जब ताहया ताउम्र तो वो इकतदार नहीं होंगे। तो हमने यही बात नून लीग की पिछली हुकूमत को समझाई थी जब वो इलेक्ट्रॉनिक जो पीका का कानून है जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, सोशल मीडिया पर्टिकुलरली उसको रेगुलेट करने के लिए वो ला रहे थे कि ये आप न करें, और वही हुआ। दो साल बाद सबसे ज़्यादा उसका शिकार नून लीग के ही लोग हुए। तो यही सूरत हाल अब है। अब जो पाकिस्तान में ये कोशिश कर रहे हैं मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की और कंट्रोल करने की और लाइसेंसेस के जरिए से, वही जो डिक्लेरेशन वाला मसला था तारीफी तौर पर, और उसको साल साल में लाइसेंस का रिन्यू कराना, और उसके बाद अगर आप जाती तौर पे कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं या कोई अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई बात करते हैं उसे रेगुलेट करने की कोशिश, तो ये फस्ताई हथकंडे हैं। और लोगों को पर तशद्दुद करना या इख्तलाफ राय को बर्दाश्त न करना वो इस वक्त अपने उरूज पे है पाकिस्तान में। और मैं ये समझता हूँ कि इससे एक गैर सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाएगा और ये लोग भी मुतासर होंगे जो इस किस्म के काम कर रहे हैं, क्योंकि होता यही है। अभी मैंने चंद दिन पहले अफसार आलम का एक इंटरव्यू किया, चेयरमैन पैमरा की हैसियत से उनका मैंने एक इंटरव्यू किया कि उन्होंने कैसे वक्त गुजारा। उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उस वक्त भी मीडिया के हवाले से कंट्रोल किया जाता था मामलात को, जबकि ये नवाज शरीफ का दौर है और एंकर्स को कंट्रोल किया जाता था, एंकर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये फैसला फ़ोन पे कुछ लोग करते थे और हमें बताते थे कि इस तरीके से दबाव आता था। अब कबूल करें ना करें ये अलग चैप्टर था। तो ये उस वक्त भी हो रहा था, अभी हो रहा, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अब उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, ये फ़र्क। यानी अब कोई किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है, अब बस एक वन वे कम्युनिकेशन है जो ऐसा नहीं होता जो पिछली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमतों में थोड़ा सा एक जो एक सियासी तरीका होता है चीज़ों से डील करने का और इख्तलाफ राय से डील करने का तो इस्तेमाल होता था। 2008 से 2013 के दरमियान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी पाकिस्तान में कोई सियासी तहरीक नहीं था। ठीक है, ठीक है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जी वो एक और दबाव तो सब भी होगा, दबाव नवाज शरीफ की हुकूमत भी होगा। आखिरी बात, कैसे बेहतरी पाकिस्तान में लाई जा सकती है, कोई सजेशन? देखिए, पाकिस्तान चल सकता है सिर्फ एक एक जो अगर मैं आइडिएशनल लेवल पे बात करूं तो पाकिस्तान चल सकता है एक वफाकियत, जमहूरियत और मसावी शहरियत की बुनियाद पे, मदीने की रियासत की बुनियाद पे,
नहीं देखिए वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, वो तो कभी स्वीडन की रियासत बनती है पाकिस्तान में जो मौजूदा सरकार है, कभी चीन की रियासत बनाते हैं, कभी मदीने की रियासत बनाते हैं, वो तो एक इस बुनियाद पर नहीं हो सकता। नहीं वो उसका कोई मानी नहीं है ना उसमें, तो उससे तो आप दायर हासिल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सच बोलना चाहिए, आप ये कह सकते हैं कि जुल्म नहीं होना चाहिए। और हजरत अली ने कहा था कि रियासत या हुकूमत कुफ्र पर कायम रह सकती है, जुल्म पर नहीं। तो अगर आप मदीने की रियासत बनाएंगे तो जरा ये कॉल पढ़ लें और देख लें कि आपके यहाँ मसला जो है वो जुल्म का कितना ज्यादा है। सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि मदीने की रियासत पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, हारिस खलील साहब की, मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।